नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम टाइप्स ऑफ विंडोज यूज्ड इन बिल्डिंग एज पर पोजीशनिंग एंड एज पर फंक्शनिंग ये देखने वाले हैं। इससे पहले हमने अपने चैनल में एक विंडो का और एक वीडियो बनाया था। इसमें मटेरियल के हिसाब से जो विंडोज है उसका कंपेरिजन, जैसे UPVC विंडोज, वुडन विंडोज और एल्यूमिनियम विंडोज, ये तीनों का प्रॉपर्टी के हिसाब से कंपेरिजन देखा था। और दूसरा वीडियो बनाया था वो एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो फिक्सिंग कैसे करते हैं विदाउट चेंजिंग फ्रेम, फ्रेम को डिस्टर्ब किए बिना, सिर्फ पैनल चेंज करना है, उसमें अंदर का ग्लास चेंज करना है और मॉस्किटो का नेट वाला वो पैनल भी चेंज करना। ये दोनों वीडियोज का लिंक आपको आई बटन में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, टाइप्स ऑफ विंडोज एज पर पोजिशनिंग एंड फंक्शनिंग। Types of windows used in building. There are different types of windows. Building में अलग अलग type की खिड़कियाँ होती है जो mainly ventilation और view या फिर light के लिए provide की जाती है। Window का selection है वो कुछ criteria पर depend रहता है। Window एक type का wall opening है जो light को अंदर आने के लिए या फिर बाहर के view के लिए और उसका आर्किटेक्चर अप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। और विंडोज जिस हिसाब से आप प्रोवाइड करते हैं उस हिसाब से उसका अपीयरेंस भी अच्छा दिखता है। अभी हम देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर विंडोज, क्या क्या क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम विंडोज चूज कर सकते हैं। सबसे पहला है लोकेशन ऑफ रूम, रूम का लोकेशन कहाँ है। दूसरा है साइज ऑफ रूम, वो साइज छोटा रूम है कि बड़ा रूम है। तीसरा है डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड फ्लो कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड है। उसके बाद है क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो एरिया में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे है उसके ऊपर भी डिपेंड है। उसके बाद है यूटिलिटी ऑफ रूम, वो रूम का पर्पस क्या है, वो पैंट्री है, किचन है, बेडरूम है, हॉल है, अलग अलग जो भी फंक्शन है उसके हिसाब से भी विंडो का प्रोविजन देते हैं। उसके बाद है आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो बिल्डिंग के लिए और स्ट्रक्चर के लिए आर्किटेक्चरल लुक देना है तो उस हिसाब से भी वो विंडो कहाँ प्रोवाइड करना है वो देखते हैं। ये अब ऊपर जो दिए हुए 7 फैक्टर है, ये टोटल 6 फैक्टर सॉरी ये ऊपर दिए हुए जो 6 फैक्टर है वो उसके हिसाब से विंडो का हम प्रोवाइड करते हैं या फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा विंडो किधर लगाना है। अभी हम देखेंगे कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ विंडोज अवेलेबल इन पोजीशन, मतलब अलग अलग पोजीशन के हिसाब से विंडोज अवेलेबल है, कैसे लगाना है, कौन कौन सा मटेरियल यूज करना है, उसका फंक्शनिंग क्या है, उसके हिसाब से विंडो का क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले है फिक्स्ड विंडोज, ये फिक्स रहता है। उसके बाद है स्लाइडिंग विंडोज, जैसे स्लाइडिंग होता है पैनल। तीसरा है पिवोटेड विंडोज, जैसे पिवोट में फिक्स रहता है तो उसका मूवमेंट ऊपर नीचे ऐसा होता है। उसके बाद है डबल हंग विंडोज, उसके बाद है लोअर विंडोज, ये जनरली टॉयलेट बाथरूम में ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है केसमेंट विंडोज, इसके बाद है मेटल विंडोज, इसके बाद है कॉर्नर विंडोज, इसके बाद है वेंटिलेटर्स और लास्ट में है स्काईलाइट्स। अभी हम ये डिटेल देखेंगे। सबसे पहला है फिक्स्ड विंडोज, इधर आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं। फिक्स विंडो एक दीवार में फिक्स किया हुआ विंडो रहता है, इसको ओपनिंग या फिर क्लोजिंग ऑपरेशन नहीं रहता। ये मेनली सिर्फ लाइट के लिए, मतलब लाइट पर्पज के लिए फिक्स किया रहता है, वो रूम में लाइट आ जाए इसके लिए। इसमें फुल्ली ग्लेज शटर्स वो प्रोवाइड किए जाते हैं विथ विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम में फुल्ली ग्लेज शटर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जनरली वेदर प्रूफ शटर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद है स्लाइडिंग विंडोज, इधर आप पिक्चर में देख सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो में इसमें शटर्स पैनल जो है वो मूवेबल रहता है, इसका मूवेबल इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रहता है जैसे एज पर रिक्वायरमेंट। इसका मूवमेंट जो शटर का मूवमेंट होता है वो मेनली उसका नीचे जो रोलर बेयरिंग प्रोवाइड किए जाते हैं वो बेयरिंग के चलते वो शटर हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली मूव होता है।
ये जानवर ज़्यादातर अभी घरों में स्लाइडिंग विंडोज़ का यूज़ करते हैं, बसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, बैंक काउंटर्स में, शॉप्स में, मैक्सिमम जगह ये स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल करते हैं। अभी इसमें 3 ट्रैक 4 ट्रैक ऐसे अलग अलग टाइप्स हैं। इसके बाद है पिवोटेड विंडोज। पिवोटेड विंडो आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें ये विंडो में पिवोट्स दोनों साइड में देख सकते हैं, पिवोट इधर प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रेम के साइड में, उस हिसाब से ये ऐसे दोनों साइड में इसे घूम सकते हैं। इसमें पिवोट एक शाफ्ट है वो शटर को ऑस्किलेट करने के लिए हेल्प करता है। इस विंडो फ्रेम के लिए रिवेट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये स्विंगिंग जो रहता है या फिर घूमना जो रहता है ये हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एज पर पोजीशन रहता है, जैसा आपका पोजीशन है रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रहता है। इसके बाद है डबल हंग विंडोज, इधर आप पिक्चर में देख सकते हैं। डबल हंग विंडोज मेनली इसमें दो शटर्स रहते हैं जो एक ही फ्रेम में अटैच किए रहते हैं। ये मेनली एक के ऊपर एक ऐसे इस टाइप में इधर आप देख सकते हैं, इधर और इधर एक के ऊपर एक ऐसे अटैच रहते हैं। ये जो दो शटर है ये स्लाइड वर्टिकली स्लाइड हो सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं। इसमें इसको हम विंडो एक साइड से क्लोज करते हैं, एक साइड से बंद ओपन भी कर सकते हैं। जैसे वी कैन ओपन विंडोज ऑन टॉप, ऊपर का ओपन रखना है और बॉटम में क्लोज रखना है, जितना रिक्वायरमेंट लेवल है उसके हिसाब से उतना ही विंडो ओपन करना है, ये भी इसमें पॉसिबल है। डबल हंग विंडोज को ऑपरेट करने के लिए एक चेन या फिर कॉर्ड की जरूरत होती है जो वो इसको वो फंक्शनिंग में और यूज उपयोगी होती है। और ये कॉर्ड या फिर चेन जो है वो पुली के साथ कनेक्टेड होती है। ये कॉर्ड को खींच करके हम शटर जो रहता है उसको वर्टिकली मूव कर सकते हैं। अब उसके बाद हम वी कैन फिक्स द विंडोज एट आवर रिक्वायर्ड पोजीशन, हमको जिस हिसाब से अपने को विंडो को ओपनिंग चाहिए उस हिसाब से पोजीशन पे विंडो को फिक्स कर सकते हैं ताकि वेंटिलेशन और लाइट अपने हम लोगों को जितना चाहिए उतना आ सके। इसके बाद है लोअर विंडोज, इधर आप पिक्चर में देख सकते हैं। लोअर विंडोज मेनली सिमिलर टू लोअर डोर्स विच आर प्रोवाइडेड फॉर वेंटिलेशन विदाउट आउटसाइड विजन। ये पर इसका मेन पर्पज यह है कि हमको बाहर का कुछ ये नहीं चाहिए, मतलब सीनरी वगैरह ये नहीं चाहिए, सिर्फ वेंटिलेशन चाहिए, तब वहाँ ये यूज़ करते हैं। ज़्यादातर टॉयलेट बाथरूम में लोअर विंडोज का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये लोअर विंडो मेनली लकड़ी का बनता है, ग्लास का बनता है या फिर मेटल का भी बनते हैं। और इसको आप हुक से या फिर पुली से भी ऊपर नीचे या फिर जितना आपको चाहिए उतना डायरेक्शन में उसको घुमा सकते हैं। इसका स्लोप जो मेंटेन करना वो कॉर्ड को खींच करके आप इसको स्लोप मेंटेन कर सकते हैं। जनरली 45 डिग्री में ये लोअर्स जो बैठा थे वो 45 डिग्री में रहता है। इसमें स्लोपिंग ऑफ लोअर्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड आउटसाइड, मतलब आउटसाइड में उसको डाउनवर्ड रखना है और इनसाइड में अपवर्ड रखना है ताकि उसको रेन वाटर जो भी है वो आउटसाइड में निकल जाए। ये जनरली बाथरूम्स, टॉयलेट्स, प्राइवेसी प्लेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद है केसमेंट विंडोज, इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं केसमेंट विंडो। ये केसमेंट विंडो वाइड यूज एंड कॉमन विंडो नॉर्मलीज, मतलब ज़्यादातर आजकल इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये शटर्स मेनली फ्रेम को अटैच रहते हैं और ये ओपन करना है एक और क्लोज करना डोर की तरह, जैसे दरवाजे को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं उस हिसाब से इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें रिबेट्स जो है वो फ्रेम में प्रोवाइड किए जाते हैं वो शटर को कनेक्ट करने के लिए, रिबेट्स आर प्रोवाइडेड टू फ्रेम टू रिसीव शटर्स। इसमें सिंगल पैनल या फिर मल्टीपल पैनल भी आप रख सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। इसमें कभी कभी वायर्ड मेश का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मतलब मॉस्किटो या फिर
फ्लाइज वगैरह अंदर ना आ सके इसके लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है मेटल विंडोज। मेटल विंडो आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं। मेटल विंडोज मेनली माइल्ड स्टील का ही यूज करते हैं, माइल्ड स्टील मटेरियल यूज करके इसका स्टील विंडो बनाते हैं। ये मेटल विंडोज बहुत ही सस्ते और मजबूत रहते हैं। मेटल विंडोज का ज्यादातर इस्तेमाल पब्लिक बिल्डिंग या फिर प्राइवेट बिल्डिंग में किया जाता है। मेटल विंडोज में स्टील को छोड़ के बाकी मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी मटेरियल कंपेयर टू माइल्ड स्टील थोड़ा कॉस्टली रहते हैं। फॉर नॉर्मल केसमेंट विंडो मेटल शटर सपोर्टेड टू गिव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू पैनल्स। इसका शटर जो है वो पैनल को सपोर्ट देने के लिए पोजीशनिंग किया जाता है, फिर फिक्स किया जाता है। इसके बाद है कॉर्नर विंडोज। इधर आप पिक्चर में देख सकते हैं रूम के कोने में ये खिड़की बनी हुई है। रूम के कॉर्नर में ये विंडो प्रोवाइड किया जाता है। कॉर्नर विंडो के दो डायरेक्शन रहते हैं, दो फेसेस रहते हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहते हैं। कॉर्नर विंडो ऐसा प्रोवाइड करने से लाइट और विंडो दोनों दो डायरेक्शन से रूम में आ सकते हैं। ये कॉर्नर विंडो के लिए स्पेशल लिंटल का प्रोविजन करना जरूरी है। वो दीवार जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से वो विंडो के लिए स्पेशल लिंटल बनाना जरूरी है। और ये कॉर्नर विंडो बिल्डिंग के लिए एक अलग सा अपीयरेंस देते हैं। अब ये वेंटिलेटर्स इधर आप पिक्चर में देख सकते हैं। वेंटिलेटर्स का मेन पर्पस जैसे नाम से आप जान सकते हैं वेंटिलेशन के लिए है। ये जनरली रूम के हायर मतलब हाइट जो रहता है ऊपर वाले एरिया में प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे रूफ लेवल में जनरली टॉप रूफ लेवल में ये प्रोवाइड किए जाते हैं और उनका साइज छोटा रहता है। हॉरिजॉन्टल पिवोटेड शटर्स आर प्रोवाइडेड फॉर वेंटिलेटर्स। इसमें हॉरिजॉन्टल पिवोटेड शटर वेंटिलेशन के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। कभी कभी ये शटर को वायर मेश से रिप्लेस करते हैं और रेन वाटर प्रिवेंट करने के लिए सनशेड का प्रोविजन करते हैं। अभी हम देखेंगे स्काईलाइट्स। जरा आप पिक्चर में देख सकते हैं स्काईलाइट एक टाइप का विंडो जो जनरली रूफ में या फिर छत में दिया जाता है। इसमें रूम में लाइट आने के लिए जैसे अगर किसी रूम में चारों बाजू से घर है या फिर क्लोज है, वेंटिलेशन का कुछ चांस नहीं है या फिर लाइट का कुछ चांस नहीं है तो फिर वो ऊपर से स्काईलाइट प्रोवाइड किया जाता है। ये जनरली स्लोपिंग पोर्शन में भी प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग का जहां स्लोपिंग पोर्शन है छत में। और इस स्काईलाइट का इस्तेमाल जब अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी उस समय हम उसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको क्लोज कर सकते हैं। और इसके लिए लीड गटर्स का अरेंजमेंट किया जाता है ताकि ये वेदर प्रूफ रहे, इसके लिए पानी अंदर ना आए। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।